अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज तलहा फ्रॉम तलहा व्यूज यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में करने वाला हूँ पबजी टेस्ट टेक्नो पोवा 2 का, बिकॉज ये एक गेमिंग डिवाइस है। तो देखते हैं कि ये स्मार्टफोन पबजी के मामले में किस तरीके से निकल कर आता है, कैसा परफॉर्म करता है। मैं इस वीडियो में ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 घंटे के राउंड पबजी खेलूंगा एंड आपकी वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा जो आप जानना चाहते हैं इस टेक्नो पोवा 2 के बारे में, कि इसमें पबजी कैसे चलती है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, जायरो हार्डवेयर बेस है, जायरो कैसा परफॉर्म करता है, लाइक एवरीथिंग। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। देखो, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक लाजमी से करना, कमेंट्स में अपना फीडबैक भी देना, लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की सब नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं। सो भाई, लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये रहा मेरे पास टेक्नो पोवा 2, जिसका मैं करने जा रहा हूं गेमिंग रिव्यू पबजी टेस्ट। सारी चीजें क्लियर करता हूँ आपकी। सबसे पहले जो चीज हमने चेक करनी वो ये है कि डिवाइस टेम्परेचर क्या चल रहा है। सो डिवाइस टेम्परेचर इस वक्त 31 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। एंड इसी के बाद में अगर बात कर ली जाए यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल की, सो ब्राइटनेस लेवल ऑलमोस्ट 75-80 के अराउंड है। और उसी के बाद में बैटरी की अगर बात की जाए, बैटरी परसेंटेज की, तो बैटरी जो है वो 82% के अराउंड है, ठीक है। सो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ पबजी मोबाइल को एंड देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके की निकल कर आती है इस फ़ोन में। सो गाइज, हमारी गेम जो है वो ऑन हो चुकी है। सबसे पहले जो चीज़ हमने चेक करनी वो है सेटिंग्स में जाके ग्राफिक्स। सो ग्राफिक्स की बात करूँ, स्मूथ विद अल्ट्रा है, बैलेंस विद अल्ट्रा है, HD में हाई है और HDR वगैरह अवेलेबल नहीं है। फिलहाल मैं इसको स्मूथ विद अल्ट्रा पे रखूँगा। एंड देन इसके बाद जो मेन चीज़ है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, बहुत ही ज़रूरी है वो चीज़, वो है जायरोस्कोप। सो जायरोस्कोप फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑलवेज ऑन पे रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और देखते हैं कि जायरो किस तरीके से वर्क करेगा। और चलते हैं बैक। और एक चीज़ जो कि आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। फिलहाल हम मैच स्टार्ट करते हैं। TDM लगाऊंगा यहाँ से मैं। ये मैंने TDM लगा लिया। यहाँ पर मैंने टाइमर भी स्टार्ट कर लिया ताकि पता चल सके कि हमने गेम प्ले कितना किया है। फिलहाल के लिए ये टाइमर स्टार्ट है। गाइस, यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आपको चेक करवानी है वो है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप के मामले में किसी भी किस्म का डिले शिले कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जायरोस्कोप बिल्कुल परफेक्ट आता है इस स्मार्टफोन में, लाइक जैसा आपको चाहिए, नो डिले, ठीक है। जायरो आपका ओके है, जायरो में कोई इशू नहीं होगा आपको। जायरो मैंने ऑलवेज ऑन पे रखा हुआ है। उसके बाद कुछ चीज़ें चेक करवानी है, लाइक ये चेक करें, मैं वॉल्यूम अप का बटन प्रेस करूंगा तो ये पीक ले लेगा, ठीक है। ये कैसे लेगा मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। यहाँ पर आपने स्वाइप करना अंदर वाली साइड पर, और उसके बाद यहाँ से ये जो वॉल्यूम है हम यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, बटन से कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वॉइस चेंजर भी आ जाता है, उसके बाद क्लासिक मेमोरी वगैरह, ये वो चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैजिक बटन, यहाँ से आप जो है वो वॉल्यूम अप एंड डाउन के जो बटन हैं उनको एज ए ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं। लाइक एडिट पर जाता हूँ मैं एंड यहाँ पर जो है वो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा और दूसरे पीक वाले पर ले आऊँगा, ठीक है, और मैं डन कर दूँगा। अब ये देखो, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, लेकिन मेरे से तो इतना खेला नहीं जाता इसमें प्रो की तरह, बाकी इसको आप ट्राई कर सकते हो और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप इनकमिंग जो कॉल्स होती हैं उनको ऑटो रिजेक्ट पे लगा सकते हो और जो मैसेजेस होते हैं उनको साइलेंट कर सकते हो। ये वो फीचर्स आपके पास काफ़ी आते हैं। बाकी हम मैच खेलते हैं और देखते हैं कि हमारा गेम प्ले कैसा निकल कर आता है। उफ यार, तबाही भाई, हमें भी M24 पकड़ लेनी चाहिए। चलो आ जाओ भाई, अभी मज़ा आएगा। ओ यार यार, ये क्या खबीस बंदा है यार ये। नाइस, बड़ी टाइट लगी है इसके। Killing spree for the blue team. Enemy down. Cover me. ओए, मिस हो गया शॉट।
यार बेसिकली मेरी थोड़ी सी सेटिंग्स भी ख़राब है ना, मैं पता नहीं क्या हुआ था तो सेटिंग्स हाथ सेट नहीं बैठा, और पिछले एक डेढ़ हफ्ते से मैंने पबजी खेली भी नहीं है, तो इस मामले में थोड़ा सा सीन ऑफ है। बाकी आप चिल करें। ओ इसके लगी, ओ यार लगी नहीं है। नहीं नहीं गाइस, हमारा लास्ट किल है और हम वी आर विनर्स। ओए गंदे, बहुत बुरी लगाई तूने और मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। तोबा तोबा। ओह सो गाइस, फाइनली हमारा पहला मैच गया और हम लोग विनर हैं। यस, प्राउड टू विनर। सो ये था हमारा फर्स्ट मैच जो कि काफ़ी अच्छा गया और मुझे कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करने को नहीं मिली। बैटरी जो है वो 81 पे आ चुकी है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर बात कर ली जाएगा इस टेम्परेचर में चेक कर लेता हूँ। सो डिवाइस टेम्परेचर 30 पे चला गया, लाइक ठीक है टेम्परेचर। बाय द वे मैं एसी रूम में बैठ के गेम प्ले कर रहा हूँ, इस वजह से इतना ज़्यादा ये हीट नहीं हो पाएगा। तो बाकी आप देखते रहें, आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सो ये हमारा पहला मैच था, ठीक है। अब मैं ग्राफिक्स चेंज करने वाला हूँ और दोबारा से TDM खेलेंगे हम लोग। अब मैं बैलेंस विद अल्ट्रा रखूँगा एंड अगेन मैं TDM खेलने वाला हूँ और सेम TDM खेलूँगा। एंड गाइस, इस बार मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चेक करवाता हूँ। लाइक यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, ये है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दी साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करेगा। ओ नो भाई गाइस, ये लैग करना स्टार्ट कर गया ये फ़ोन, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये देख लें आप। ये कोई, ये देखें यार, लैग कर रही है गेम काफ़ी किसी हद तक। ये देखो यार, इतना स्मूथ वर्क नहीं कर रहा ये फ़ोन। ये देखो, लैग कर रही है गेम काफ़ी ज़्यादा, लैग कर रही है भाई, ये क्या सीन है। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ और अब ट्राई करते हैं। ओके, अब ये बेस्ट हो गया भाई, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये आपके काम नहीं आने वाला गाइस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये बिल्कुल फेल कह सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे जज नहीं करूँगा, आप और यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखें उसके बाद बात करेंगे। बाकी होप्स हो कि ये मेरे में ही मसला हो। गाइस ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम कर रहा था और इस प्रॉब्लम का मुझे ऑलरेडी पता था, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये अचानक हुआ मेरे साथ। ओफ, और HD में हाई पे खेलेंगे। लें भाई रेड टीम विक्टोरी, और हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी डिवाइस से लेना देना जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ और आगे आप और देखेंगे। सो रात के 1:15 हो गए हैं गाइज और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब क्या करना है मैंने यार, यहाँ पे जाना है और हम खेलेंगे इस बार गन गेम वाला, ये लाइब्रेरी खेलेंगे। एंड जो ग्राफिक्स होंगे उसको मैं रख लूँगा HD विद हाई। ओके सो अब हम ये खेलेंगे, एक बार फिर से चेक करना। हाँ ठीक है, सो यार अब हम गन गेम का मज़ा लेंगे गाइस। ग्राफिक्स तो अच्छे आ रहे हैं, बाकी देखते हैं कि गेम प्ले कैसा निकलता हमारा। अच्छा ये आपने, मैंने आपको दिखाया ना स्टार्ट पे। बाकी ये आपके आई थिंक सो कि वॉल्यूम बटन ख़राब भी हो सकते हैं ये ज़्यादा रफ यूज़ की वजह से ना। सो
सो आप इतना सीन ना करें इनके साथ ना। उफ यार पकड़ो इनको भाई। यस लग गई लग गई लग ओ नो वॉच आउट। ओए शापरू हारना नहीं हुए यार गाइस मेरी टीम ही बद्दी है मैं क्या करूं यहां पे। अच्छा गाइस यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ में स्टार्ट करने वाला हूँ सो देखते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म करेगी। सो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी आपके सामने। अच्छा जैसे ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ पता नहीं गेम को क्या आ जाता है, ये थोड़ी सी लैगी फील होना शुरू हो जाती है आपके सामने। पकड़ो यार इसको गाइस फिलहाल के लिए अभी के लिए ठीक जा रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। और देखो फिर थोड़ा सा हल्का सा लैग महसूस होने लग पड़ता है, लाइक वो गेम लैगी सी हो जाती है भाई। वो तले तले जा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ करने जा रहा हूँ फिर से और ये फिर सही हो जाता है, लाइक उसी वक्त ये फ़ौरन सही हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना ही करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ओए होए बड़ा मस्त हो यार मेरा पुत्र। यस गाइस यस नाउ वी आर विनर्स। यस मैन थैंक यू यार जिसने भी जिताया समीर शुक्रिया यार आपका। बंदा तो रैंडम था लेकिन मज़ा करवा दिया आपने। सो गाइस बैटरी 79 के ऊपर आ चुकी है ठीक है एंड टेम्परेचर मैं चेक कर लेता हूँ। फ़ोन का टेम्परेचर 31.5 है, लाइक 31 जो है वो 5 है और ऑलमोस्ट हम लोग 17 मिनट से जो है वो गेम खेल रहे हैं। ठीक हो गया। सो ये कुछ सीन है अभी के लिए आपके सामने एंड इसके बाद गाइस हमने क्या चेक करना है, हम जाएंगे ईवो ग्राउंड वाला मैच हम खेलने वाले हैं। अब ये काफ़ी लंबा चला जाएगा लेकिन इसमें पता चलेगा बैटरी ड्रेन और ये वो सारी चीज़ें। सो देखते हैं और ग्राफिक्स जो है वो मैं एचडी में हाई ही रखूँगा। लेट्स सी कैसा गेम प्ले निकल कर आता है भाई आपके सामने सारा कुछ। ये
लैग आपने देखा वैसे कि नहीं देखा बताना लाजमी से, या फिर वो जो गाड़ी चला रहा ना उसके नेट का मसला ये हो सकता है, आई थिंक सो भी। हाँ ठकवाते ही मरे। सो गाइस फाइनली हमारा ये मैच कंप्लीट हुआ यहीं पे। मैं इसी वजह से क्लासिक नहीं खेलता यार, क्लासिक का फ़ायदा नहीं रहता ना ये आपके सामने। बाकी बैटरी ड्रेन की अगर बात करूँ 76 पे आ चुकी है और ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है जब से हमने जो है वो गेम स्टार्ट की हुई है। सो यार यहाँ पे मैं खेलूँगा वार, क्योंकि वार एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप आउट होते हो तो फ़ौरन आपकी वापसी हो जाती है, इसी वजह से हम वार खेलेंगे अब। लेकिन मैप बड़ी गंदी जगह पे बना, खैर देखते हैं भाई क्या बनता है इस बार। तो 10-12 किल्स तो आएंगी कि नहीं आएंगी। नंबर 4 नंबर 2 घबराना नहीं। यार मेरे साथ भी कुछ ओए यार, यस किल चुरा लिया, किल चुरा लिया, किल चुरा लिया। ओ यार भाई स्कोप क्यों खुल जाता है यार, ये मेरी सेटिंग्स थोड़ी सी ख़राब है, स्कोप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, वो सारा मज़ा ख़राब, पूरा का पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है। सो गाइज इस बार हम वार में भी कुछ नहीं उखाड़ सके, बैटरी 75 पे आ चुकी है। टेम्परेचर की बात करूँ तो 32 पे चला गया, 32.5 पे, ठीक है। और इस टीम को मैंने हमें इनवाइट कर दिया, मैं दोबारा से वार खेलना चाहूँगा यार, दोबारा से मेरा दिल कर रहा है। बैटरी 73 पे आ चुकी है, टाइम हो चुका है 51 मिनट्स, ऑलमोस्ट एक घंटा होने वाला है और स्टिल हम गेमिंग कर रहे हैं। इससे अच्छा मैं TDM खेल लेता हूँ गाइज, TDM में अपना हाथ थोड़ा फिर भी सेट है और देखते हैं क्या सीन रहेगा। ऑलमोस्ट स्टिल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे से गेमिंग अच्छी हो नहीं पा रही, लेकिन फ़ोन सही जा रहा है यार। अगर टेम्परेचर देख लिया जाए वही 32 के अराउंड जा रहा है टेम्परेचर, और बैटरी 72 पे आ चुकी है। ये मैं लास्ट मैच खेलने जा रहा हूँ, इसके बाद क्लियर है भाई, मैं आपको अपना ओपिनियन दे देता हूँ। वैसे इससे पहले मैं तकरीबन 3-4 घंटे गेमिंग कर चुका हूँ और इसी वजह से मेरे सर में दर्द हो रही है। सो गाइज ये मैच भी गया, ठीक है, ये फाइनल मैच था हमारा। सो अगर बात कर लीजिए ना फ़ोन की, देखो इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं 3-4 घंटे ऑलमोस्ट खेल चुका हूँ, और इसको अगर मिलाया जाए 5 घंटे मैंने इसके ऊपर गेमिंग की है कंसिस्टेंटली। और अगर बात कर लूँ टेम्परेचर की गाइज, इतने ज़्यादा गेम प्ले के बाद टेम्परेचर वही है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर फोकस कर ले तो। टेम्परेचर गाइज वही है, 31-32 के अराउंड जा रहा है, ठीक है। एंड अगर बैटरी की बात कर ली जाए, बैटरी 71 पे आ चुकी है, ऑलमोस्ट आई थिंक 84 थी, हाँ 84 से जो है वो एक घंटे, पूरे एक घंटे में जो है वो इतने पे आ चुकी है। मैं आपको टाइम वॉच भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कुछ 61 मिनट हो चुके हैं हमें गेमिंग स्टार्ट किए हुए को, तो एक घंटे में जो है वो बैटरी भी आपके सामने पता चल गया होगा कि आपको कितनी ड्रेन हुई है। टेम्परेचर वगैरह इसलिए कंट्रोल रहा बिकॉज मैं AC रूम में बैठ के गेमिंग कर रहा था, वरना हीटिंग इशू की बात करूँ, हीटिंग इशू तो नहीं लेकिन नॉर्मल जो है वो 40 के राउंड चला जाता है ये फ़ोन। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना गाइस, इस पर बहुत मेहनत हुई। बाकी इस बार गेम प्ले इतना अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, कभी कभी किस्मत जो है वो बैड लक चल रहा होता है। सो कोई बात नहीं, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, लाइक करके जाना भाई। मैं हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेडियम देखते हैं, तब तक के लिए बाय।